हंजरवाल में 3 साल बच्चे के अगवा केस में नया मोड़। 3 साल बच्चे को अगवा नहीं किया गया, रास्ता भूल गया था। पुलिस ने बच्चे को ढूंढकर वर्षा के हवाले कर दिया। बच्चे की तलाश सीसीटीवी कैमरास की मदद से की गई। शरीफ और जरदारी गैंग आजाद अदलिया और मीडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौम डाकुओं से निजात के लिए मुतहद हो चुकी है। सच की आवाज दबाने के लिए सहाफियों पर झूठे पर्चे काटे जा रहे हैं। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का ट्वीट। पंजाब असेंबली में हंगामा आरई का मामला। मुख्तलिफ ममालिक के पार्लियामेंट के सेक्रेटरीज की पंजाब असेंबली हुकाम से राबते। पार्लियामेंट के सेक्रेटरीज ने वाकये की तफसीलात मांग ली। पंजाब पुलिस में डीपीओज डिविजनल एसपीज के तबादले इल्तवा का शिकार। फहरिस्तें तैयार होने के बावजूद तैनाती का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। तबादलों के इंतजार में अफसरान की काम में अदम दिलचस्पी। डीपीओ बहावल नगर और नारोवाल की सीट 1 माह से खाली। पुलिस के अहम मामला ताखीर का शिकार होने लगे। और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का LDA दफातर का दौरा। वन विंडो समेत दीगर शोबाजात में काम का जायजा लिया। मुतलिका अफसरान के डायरेक्टर जनरल को मुख्तलिफ शोबों बारे तफसीली ब्रीफिंग।